भारत विश्व की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण देश है और भारत में जब मानसून खराब हो जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि दुनिया भर के लोगों पर असर पड़ता है। वजह खाद्य आपूर्ति श्रृंखला यानी फूड सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित होती है। हाल के दिनों में 2 महीने बीतने के बाद मानसून का असेसमेंट जब किया गया तो ये पाया गया कि भारत के 2 ऐसे राज्य जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं खासतौर पर पैडी प्रोडक्शन में, पैडी के एकरेज में यानी धान की रोपाई और बुआई में, वो हैं पश्चिम बंगाल और बिहार। तो पश्चिम बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश, तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस बार के मानसून सीजन में बारिश बहुत कम रिकॉर्ड की गई है और बारिश में इस कमी के चलते तकरीबन 15% एकरेज कम हुई है इस बार धान की, यानी धान की खेती में 15% की गिरावट हुई है। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन पिछले सालों की तुलना में या अगर एस्टीमेट जो लगाया गया है सरकार की तरफ से उसकी तुलना में कम होता है तो आप ये मानकर चलिए कि भारत में जो कुल पैडी प्रोडक्शन होगा इस बार वो बहुत नीचे चला जाएगा और ऐसे में डेफिनेटली भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी ही होगी, लेकिन दुनिया के तमाम वो देश जो भारत की तरफ चावल के लिए देखते हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। तो क्या है पूरा मामला, कितना असर पड़ सकता है, कौन कौन से देश मेजरली प्रोडक्शन जो इंपोर्ट करते हैं भारतीय धान का, भारतीय चावल का, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में india.com की। भारत का नाम दुनिया के बड़े अनाज उत्पादक देशों में आता है। भारत को यूं ही कृषि प्रधान देश नहीं कहा जाता, लेकिन इस समय दुनिया के कई देशों में भारत की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में बारिश कम होने का नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। इस साल उत्तर प्रदेश में 45% कम तो बिहार में 33 और पश्चिम बंगाल में 25% कम बारिश हुई है। जून और जुलाई में इन तीनों राज्यों में मॉनसून बहुत इरेटिक रहा है। इन राज्यों में कम बारिश के कारण चावल का रकबा 13% कम रहा है जिससे देश में उत्पादन में कमी आने की संभावना है। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जब जंग छिड़ी थी तब दुनिया में गेहूं की आपूर्ति कम हो गई थी, तब चावल ने काफी हद तक खाद्य जरूरतों को पूरा किया और मेहरबानी ये रही कि चावल का पर्याप्त भंडार दुनिया में था, इसलिए न तो खाद्य संकट पैदा हुआ और न ही कीमतों में कोई विस्फोटक बढ़ोतरी हुई। 2007 में भारत ने खाद्यान्न निर्यात को रोक दिया था, तब भी वैश्विक कीमतें तेजी से ऊपर गई थी। आपको बता दें कि भारत विश्व का 40% चावल अकेले निर्यात करता है। 2021 का डाटा अगर देखें तो इसने 21.5 मिलियन टन चावल का निर्यात किया जो दुनिया के अन्य बड़े चावल उत्पादकों और निर्यातक 4 देशों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका के कुल निर्यात से भी ज्यादा था। ऐसे में अगर उत्पादन में कमी आती है तो दुनिया के कई देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। भारत इससे पहले इसी साल चीनी और गेहूं के निर्यात पर नियंत्रण लगा चुका है ताकि देश की खाद्य सुरक्षा पर खतरा न पैदा हो। चावल के उत्पादन में कमी के कारण भी हो सकता है ऐसा किया जाए। अब वो 150 देश डरे हुए हैं जो भारत से चावल खरीदते हैं कि अगर भारत ने चावल के निर्यात को नियंत्रित किया तो उनके यहाँ अनाज की कीमतें आसमान पर पहुंच सकती हैं और कुछ देशों में तो भुखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा india.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।